हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो तो है ही, साथ ही मेरी खुद की विश भी थी कि मैं आप सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता सकूं कि बुक्स किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ, आप सबकी तरह ही मेरा स्केड्यूल भी काफ़ी बिजी रहता है, और उस पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत सा टाइम डेली अपनी बुक रीडिंग के लिए निकाल लेती हूँ तो ये सरासर झूठ होगा। लेकिन हाँ, डेली मैं कुछ ना कुछ रीड करती हूँ, ये बिल्कुल सच है। डेली 8 to 10 पेजेस मुझे रीड करने हैं, ये टारगेट मैंने बना रखा है। इसीलिए मेरी एक बुक ख़त्म होने में कई बार 1 month और 2 भी लग जाते हैं। लेकिन जो अटैचमेंट हमें बुक से हो जाती है और जो भी कुछ नया सीखने को मिलता है, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, लेकिन ज़िंदगी जीने का सही तरीका हमें मोटिवेशनल बुक्स ही सिखाती हैं, क्योंकि ऑथर इसमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स में डिस्क्राइब करके हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। अगर दिन में टाइम ना मिले तो रात को सोने से पहले मैं कुछ टाइम बुक रीड करती हूँ, और वीकेंड्स पे अर्ली मॉर्निंग। बच्चों का ऑफ होता है तो दिन की शुरुआत में ऐसी ही कोई बुक्स के कुछ पेजेस को पढ़ के करती हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, अपनी लाइफ की हर डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना मैंने इसी तरह की मोटिवेशनल बुक्स को रीड करके ही सीखा है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बुक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ अगर आपने भी कुछ ऐसी मोटिवेशनल बुक्स रीड की हैं तो उनके नाम मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं पढ़ना चाहूंगी। मेरे चैनल पे बुक शेल्फ टूर की एक वीडियो है जिसमें मेरी ओल्ड बुक सेक्शन आप देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लाइफ बहुत ही अनसर्टन हो गई है, वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आप में से बहुत से व्यूअर कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम तक तो मोटिवेट रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम फिर से डीमोटिवेट होने लगते हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही नेगेटिव और स्ट्रेसफुल हो जाता है, और किसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ता है। और किसी ना किसी मोटिवेशनल बुक के साथ खुद को कनेक्ट रखने से हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो 7 to 8 months से मुझे मोटिवेट किए हुए हैं। जितनी भी बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट बुक जिसको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो है द सीक्रेट। इनकी पूरी सीरीज है, तो टाइटल है हीरो, जो मैंने रीड की है, रोंडा बर्न की लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। इसमें ऑथर बताती है कि यूनिवर्स आपको वो सब देगा जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे मिल सकती है या नहीं, उसके लिए आप डबल माइंडेड नहीं होने चाहिए। और वो ड्रीम जिसे आप पाना चाहते हैं हमेशा आपके सामने विजुअलाइज होना चाहिए, यानी कि उसे लिख के आप अपने सामने किसी पिन बोर्ड पे उसे लगा लें और उसे रोज़ देखें। लेकिन देखने भर से नहीं, आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। जिंदगी में तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते। और जब आप ये सब करेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसे कोइंसिडेंस होने लगेंगे जो आपको खुद ब खुद उस ड्रीम तक पहुंचा देंगे। उसके लिए नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहें, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात ना करें जो आपको अच्छे नहीं लगते। और एक और चीज़ जो मुझे इस बुक में बहुत अच्छी लगी है वो है एक्ट टू ग्रेटिट्यूड, यानी कि जो भी आपको मिला है, मिलने वाला है या फिर आप पाना चाहते हैं, उसके लिए उस सुप्रीम पावर का थैंक्स जरूर करें। जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं हम उनकी वैल्यू नहीं जानते, इसीलिए हम कभी थैंक्स नहीं करते। और इसी थैंकलेस बिहेवियर की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। ये बुक एक स्टोरी टाइप है, काफ़ी कुछ सीखा मैंने इस बुक से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करें। नेक्स्ट बुक है डॉन मिगुअल रूइज की लिखी हुई द 4 Agreements, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन है आज़ादी पाने के 4 समझौते। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें ऑथर ने बताया है कि ना चाहते हुए भी हम अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ों से एग्रीमेंट कर लेते हैं जिन्हें हम करना भी नहीं चाहते, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती हैं। लेकिन ऑथर ने इस बुक में हमें ऐसी 4 चीज़ों से एग्रीमेंट करने को कहा है जिसे करने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इन 4 एग्रीमेंट्स के बारे में ब्रीफ में बताऊंगी। फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। जहाँ आपके कुछ अच्छे वर्ड्स किसी को खुशी दे सकते हैं, वहीं आपके बुरे वर्ड्स किसी को डिप्रेस भी कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ हम अपने साथ भी करते हैं। फालतू के गॉसिप, कंप्लेंट्स और क्रिटिसाइज करना बंद करें। इवन कि खुद के लिए भी कभी बुरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सेकेंड एग्रीमेंट है डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर आप खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करना चाहिए। जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं वो अपना अग्रेशन निकालने के लिए आपको बुरा कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे ही हैं।
हर चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। एक चीज़ जो किसी को बहुत अच्छी लगती है, दूसरा उस चीज़ को देखना भी नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बहुत अच्छी या फिर बहुत बुरी है, ये हर इंसान के विजन पे डिपेंड करता है। थर्ड एग्रीमेंट है, डू नॉट मेक अजम्पशंस। अजम्पशंस हमेशा ही बेसलेस होती हैं, इनकी वजह से कई बार बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। सो आप किसी को जज करें या कोई आपको जज करे, उससे बेटर है कि बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हो ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। इस एग्रीमेंट को जब आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ एंड लास्ट एग्रीमेंट है, डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट देते हुए हमें क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना हमें बेस्ट से भी आगे निकलना है, और वो तभी हो सकता है अगर हमें हार्डवर्क करने की आदत हो। सफल हो जाने पे भी जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होते। तो ये थे वो फोर एग्रीमेंट्स। इनको डिटेल में पढ़ने के बाद आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में बहुत बदलाव देखेंगे। और अब बात करते हैं इस वंडरफुल बुक के बारे में, जिसका टाइटल है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसके राइटर हैं नॉर्मन विंसेंट पील। ऑथर ने इस बुक में पॉजिटिव थिंकिंग की पावर को बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्क्राइब किया है। लाइफ में सक्सेस हासिल करनी हो या फिर लोगों के फेवरेट बनना हो, उसके लिए आपके एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। उसके बाद अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेने की बजाय हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड जहां हमें डिफिकल्टी को क्रॉस करने में स्ट्रेंथ देता है, वहीं नेगेटिव थॉट्स हमें दोबारा फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। हमारे रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे थॉट्स और उसी डायरेक्शन में लिए गए एक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे थॉट्स हम किसी काम को करने से पहले बनाएंगे, वैसे ही आउटकम्स हमें मिलेंगे। सो कौन से थॉट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाना है, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। ऐसी बुक्स के साथ अपना कनेक्शन हमेशा बना के रखें तो आप कभी भी डाउन फील नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड श्वार्ट्ज की लिखी हुई बुक है और हिंदी इसका ट्रांसलेशन है बड़ी सोच का बड़ा जादू। बहुत ही अमेजिंग बुक है ये। ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है, बड़ा सोचने पर मजबूर करती है ये बुक आपको। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि बड़ा सोचने वाले ही बड़ा काम करते हैं, और बड़ा सिर्फ वही इंसान सोच सकता है जिसने अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें सिर्फ सक्सेसफुल लोग होते हैं। वो बड़ा सोचते हैं क्योंकि वो खुद पे बिलीव करते हैं और उनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं होता। जो लोग फियरलेसली काम करते हैं, ऑब्वियसली उनके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएं, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोगों को ही जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखा गया है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टार्टिंग में आप कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करें, धीरे धीरे आप में वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसलिए एक बड़ा प्लान बनाएं और उस प्लान को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं उनको भी लिखें और उस पर एक्ट करना शुरू करें। हम हारते तब हैं जब हम क्विट कर देते हैं, और क्विट हम तब करते हैं जब हमारा इन्वायरमेंट और थॉट्स पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स से हमेशा खुद को दूर रखें। नेगेटिव थॉट्स मॉन्स्टर की तरह काम करते हैं, और हमारी सक्सेस के बीच में सबसे बड़ा हर्डल ही नेगेटिव थॉट्स होती हैं। और अब बात करते हैं उस बुक के बारे में जिसके बारे में शायद आप सब भी जानते होंगे, यू कैन विन, जीत आपकी, बाय शिव खेरा। विनर्स सी द गेन एंड लूजर्स सी द पेन। और एक कोट यहाँ पे भी लिखा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इसी कोट से ही जजमेंट आ जाती है कि ये बुक कितनी अच्छी होगी। इस बुक में ऑथर ने 5 क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया है, और अगर आप में वो 5 क्वालिटीज हैं, डेफिनेटली आप सफल व्यक्ति बनेंगे। पहली क्वालिटी है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपकी लाइफ को डिजाइन करता है। जो विनर्स होते हैं उनका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे बढ़ने और आपकी लाइफ को ईजी करने में हेल्प करता है, जिसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग होते हैं। सेकंड क्वालिटी है ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। मौके आपको बार बार नहीं मिलते। अगला मौका बहुत अच्छा भी हो सकता है लेकिन बहुत बुरा भी। सो राइट टाइम पे अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन डेफिनेटली बनेंगे। थर्ड क्वालिटी है सक्सेस। सक्सेसफुल लोगों के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन वो हारने से कभी नहीं डरते, बार बार गिरने से कभी नहीं डरते। हर बार वो अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं। सो अगर आप विनर बनना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहें। फोर्थ क्वालिटी है गोल सेटिंग।
तो जितना आप अपने गोल पे फोकस होंगे, ऑब्स्टेकल्स आपको नज़र भी नहीं आएंगे। लोग अपने गोल के बारे में ही क्लियर नहीं होते हैं। पहले एक प्लान बनाएं और डेली उसे दो बार रीड करें। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए, और जिस भी फील्ड को आप चूज़ करते हैं उसमें अपना 100% दें। बी परफेक्ट इन योर फील्ड। फिफ्थ एंड लास्ट क्वालिटी है विजन। जितना आपका विजन बड़ा होगा उतने ही बड़े आप ड्रीम देखेंगे और जल्दी ही आप उनको रियलिटी में भी कन्वर्ट कर लेंगे। कभी भी बड़ा ड्रीम देखने से डरे नहीं। छोटे छोटे और फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। हर चीज़ को देखने का नज़रिया अपना पॉजिटिव रखें तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो इन पांचों बुक्स के बारे में बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया है। जब डिटेल में आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अमेजिंग बुक्स हैं। एक और बुक जो आजकल मैं पढ़ रही हूँ, रिच डैड पुअर डैड, शायद आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो जितनी अभी मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी भी पढ़ी है उससे ये पता चलता है फजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। जो भी इनकम हमें होती है उसी इनकम से हम अपनी लग्जरीज बाय करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जो इनकम हमें होती है उस इनकम से हम एक और एसेट बनाएं, इसी से हम अपनी लग्जरी बाय करें। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा इसी तरह से काम करते हैं। वो एक काम से दूसरा काम खड़ा करते हैं और उससे फिर अपनी लग्जरी बाय करते हैं। जो सेविंग होती है हमारी फर्स्ट इनकम से, उस सेविंग को भी वो उस एसेट में लगाते हैं ताकि वहां पे इनकम की ग्रोथ फास्ट हो, तब वो अपनी लग्जरी बाय करते हैं। बट ये बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और जैसे ही बुक कंप्लीट होती तो अगला टारगेट मेरा वो बुक्स रीड करना है जो वुमेन स्पेशल होंगी, यानी कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकती हैं, अपने आप को खुश कैसे रख सकती हैं। तो जैसे ही मैं बुक्स ऑर्डर करूंगी और उनको रीड करूंगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उनके रिव्यूज इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।